बुरांश एक ऐसी औषधि है जो हिमालय पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल करने से यह चौंकाने वाले फायदे देती है। इसके नियमित इस्तेमाल से हृदय की सभी बीमारियों को तेजी से ठीक किया जा सकता है। इसका उपयोग सांस संबंधी बीमारियों में भी किया जाता है और यह इम्यूनिटी को भी तेजी से बूस्ट करने का काम करती है। यह एनीमिया को ठीक करने में भी कारगर साबित होती है। वहीं से आसानी से भी उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी रंजीत सिंह मेमोरियल क्लिनिक खेकड़ा ने बताया कि मार्च और अप्रैल के महीने में हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों में बुरांश का फूल पाया जाता है। बुरांश हिमाचल का राजकीय फूल है। इसके बहुत सारे फायदे शरीर पर आयुर्वेदिक तरीके से होते हैं। यह तेजी से हृदय रोगों को ठीक करता है, सांस रोगों को भी तेजी से और एनीमिया को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। यह स्किन संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने में लाभदायक है और इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जा सकता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसको सही प्रकार से इस्तेमाल करने से यह चौंकाने वाले फायदा देता है। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी ने बताया कि बुरांश के फूल की आप चटनी बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसका जूस निकालकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से शरीर पर कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता और यह तेजी से शरीर पर फायदा पहुंचाने वाली औषधि फूल है। इसका नियमित इस्तेमाल लगातार लोगों को लाभ पहुंचाता है और कई बीमारियों को ख़त्म करने का काम करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ और इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। बुरांश के फूल पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और हिमाचल का जो राजकीय फूल है वो भी बुरांश है। उसके अलावा उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है वो बुरांश को ही माना जाता है। अब चूंकि उसमें बहुत सारे औषधीय फायदे होते हैं बुरांश के अंदर, बुरांश को फूल को जो है कई रूप में यूज किया जाता है। उसका चटनी बना के भी खाई जाती है, उसको उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसकी शरबत लगा के पिया जाता है और बुरांश के औषधीय रूप से बहुत सारे फायदे हैं। ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग जो है हृदय की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। उसके अलावा सीओवी सोर्स में भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी हद तक जो है कोरोना को कंट्रोल करने में इसका काफ़ी फ़ायदा रहा है। उसके अलावा इसका उपयोग जो है सांस की बीमारियों में और रक्तल्पता एनीमिया को ठीक करने में किया जाता है और विभिन्न तरह से इसका सिर के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं और इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है।